धड़कनें बढ़ रही हैं, वो करीब आ रहा है और हमारा एग्जाम 17 और 18 फरवरी 2024 को और हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हमारा 150 प्रश्न है वो एकदम पूरे हो जाए और हमारा समय भी बच जाए और हमारी OMR में जो हमें गोली भरनी वो 150 की गोली एकदम करेक्ट भर जाए और जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसी स्ट्रेटेजी को मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से विषय को कितना समय देना है और आपको किस हिसाब से गोले भरने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो देखिएगा, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 120 मिनट का है। कितने का? 120 मिनट का है और जिसमें आपको 150 प्रश्न, कितने 150 प्रश्न आपको करने हैं। आपके चार सेक्शन, कितने हैं? चार सेक्शन में, जिसमें जीके जीएस के 37 प्रश्न है, हिंदी के 37 प्रश्न, जीके जीएस के 38 प्रश्न है, मैथ के 20 प्रश्न है और रीजनिंग के जो 55 प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो आपको हिंदी, जब देखो एक पहले मैं आपको रियलिटी बता दूं कि आपको जो विषय आपका सबसे ज्यादा मजबूत है उसे आप करिएगा सबसे पहले। हाँ, और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना। आपके रूम में एक घड़ी लगी होगी तो उस रूम में आप घड़ी को देखते चलना और टाइम के टाइम देखते चलना। बहुत से लोग ऐसे होंगे क्योंकि आपको 5 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और पंच लगी होती है यानी सील बंद होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं उसे उठा करके देखने लगते हैं और क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन तो पहले ही देख लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आया है तो इसका हमें आंसर पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। वो टाइम छोड़ करके, क्या वो टाइम छोड़ करके आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। यही टाइम मैनेजमेंट की रणनीति मैंने भी अपनाई थी जब मेरा 41520 में सिलेक्शन हुआ था। देखो सबसे पहले आपके पास हिंदी में 37 प्रश्न आने वाले, कितने हिंदी में 37 प्रश्न आने वाले और आपको हिंदी को कम से कम 15 मिनट देना है। जीके जिसके आपके 38 प्रश्न आने वाले, इसको भी आपको 15 देना है, यानी हिंदी और जीके जीएस में आपको 30-40 मिनट देना है। तब भी अगर आप 30-40 मिनट देखो तो आपके पास करीबन 90 मिनट बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप 30 मिनट करते हो तब भी आपके पास 90 मिनट शेष रह जाएंगे। 90 मिनट बचेंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग को करना है 90 मिनट में। मैथ जब आप करोगे तो मैथ को आपको 20 से 30 मिनट का समय देना है और रीजनिंग को 30 से 40 मिनट का समय देना है। इससे आप 60 से 70 मिनट का आपका समय लग जाएगा, तब भी आपके 20 मिनट का समय शेष रह जाएगा। और 20 मिनट का समय आप ऐसा करना कि अगर आपके कोई भी गोला छूट गया है तो उस गोले को आप भर सकते हो। हाँ, एक बात आप और याद रखना कि जब आप मैथ को सॉल्व कर रहे हो या रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हो, कोई भी प्रश्न अगर 2 लाइन से या 2 से 3 लाइन में है तो उस प्रश्न को आप छोड़ देना। जो 1 लाइन के होंगे या 2 लाइन के होंगे, 1-1.5 लाइन के होंगे, तो उन्हें सबसे पहले आप प्राथमिकता देना कि आप जैसे आप प्रश्न पढ़ते हो और उसका आंसर आपको तत्काल निकल रहा है तो आप उसे फटाफट से गोले में भर लीजिएगा। हाँ, अगर आप प्रश्न पढ़ते हो और आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा। उस प्रश्न पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, उसी प्रश्न पर आप लगे मत रहना। यही आप रीजनिंग में भी करना, अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है, चाहे वो ब्लड रिलेशन का हो और ये प्लस माइनस गुणा भाग जो चेंज करने वाले होते हैं इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो इन प्रश्नों को आप लास्ट में करना। क्या? इन प्रश्नों को आप लास्ट में करना। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका टाइम भी बच जाएगा। और जो प्रश्न आपको सबसे पहले आए 150 में से, उन प्रश्नों को प्राथमिकता आपको सबसे पहले देना है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका समय भी बच जाएगा और आपकी ये गोले आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं OMR गलती कर देते हैं, क्योंकि वो 150 के 150 प्रश्न तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं लेकिन उनकी OMR है वो गलत भर जाती है, फिर वो लोग बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अपनी OMR शीट है बिल्कुल एकदम सावधानी और सतर्कता पूर्व भरना है। भले आपके प्रश्नों के जो गोले हो वो गलत हो सकते हैं लेकिन आपका जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपकी एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी डेट में है और एग्जाम कोड
ये सारी जानकारी और आपके साइन ये मस्ट है, इसे आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरना है। और टाइम मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया कि आपको किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस विषय को कितना समय देना है। आप बहुत से लोग सोचेंगे कि सबसे पहले हम मैथ करेंगे और बहुत से लोग सोचेंगे सबसे पहले हम रीजनिंग करेंगे क्योंकि रीजनिंग में 55 प्रश्न आने वाले हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, सबसे आप पहले आप हिंदी और जीके जीएस करिएगा। अगर आप इसे करोगे तो इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा और हिंदी जीके जीएस के प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे आप पढ़ोगे और तत्काल उनके आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा, तो जिससे आपका कम समय भी बच जाएगा। हाँ, ये मैंने मैक्सिमम टाइम ले लिया 30 से 40 मिनट। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि वो इन दोनों को हिंदी और जीके जीएस को वो 20 से 30 मिनट के अंदर ही कर लेंगे, क्योंकि उन लोगों की अगर जीके जीएस और हिंदी अच्छी होगी तो वो 20 से 30 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। और अगर आपकी ये जीके जीएस और हिंदी थोड़ा वीक है तो 30 से 40 मिनट आप ले सकते हो। और मैथ और रीजनिंग अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा तो आप इतना समय ले सकते हो। हाँ, अगर आप कमजोर हो गए मैथ में और रीजनिंग में तो आप इससे ज्यादा भी समय ले सकते हो और आपके जो 150 प्रश्न है उसमें से भी आपके कम प्रश्न रहने के चांस हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं कहेंगे सर जी टारगेट कितना बना करके चले, हमें एग्जाम में कितने प्रश्न हैं वो सही करने होंगे। तो आप मैक्सिमम 120 है टोटल प्रश्न सही करने की कोशिश करना, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होने में कोई भी अड़चन ना आए, क्योंकि 120 का मतलब है 240 नंबर। अगर आपके प्रश्न है नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद भी 105 बन जाएंगे तब भी आपका जो स्कोर है वो 210 हो जाएगा। अगर 210 आपका स्कोर आता है और आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका 210 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि सब लोगों को कम समय मिला है तैयारी करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट आपको इस हिसाब से करना है। वैसे हर भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 2 महीने का समय तो मिलता है, लेकिन इस भर्ती में आपको मात्र 1 महीने का समय ही मिला है। सब लोग कहेंगे मेरी तैयारी नहीं हो पाई, तो आपकी तैयारी नहीं, किसी भी की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है 23 दिसंबर के बाद से। अगर इससे पहले जो लोग भी तैयारी कर रहे थे तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, मुझे विश्वास है। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो उनकी तैयारी मुझे मालूम है कि हाँ उन लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।